हेलो, मैं जानना चाहता हूं कि सबसे सस्ता प्लान कौन सा है। दोस्तों, क्या आप जियो कस्टमर केयर से डायरेक्ट कॉल करके बात करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा नंबर बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप जियो के कस्टमर केयर से डायरेक्ट कॉल करके बात कर सकते हैं। अगर आप वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप करेंगे तो आप जियो कस्टमर केयर से बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको कुछ स्टेप्स बताए हैं, उन स्टेप्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप जियो कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं। अगर आप उन स्टेप्स को मिस करेंगे तो आपकी बात जियो कस्टमर केयर से नहीं हो पाएगी। उम्मीद करता हूँ आप ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखेंगे। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना। यहाँ पर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहेंगे। अब मैं आपको अपने मोबाइल के स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ और वहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ आप किस तरह जियो कस्टमर केयर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। आपका वर्तमान डेटा बैलेंस 1.57 GB है, जो आपके 2.0 GB दैनिक डेटा कोटा में से बचा हुआ है और ये 14 जुलाई 2023 57। एक महीने तक की वैधता वाले प्लान की जानकारी के लिए 1 दबाएं। 2 महीने की वैधता वाले प्लान ₹666 के प्लान की जानकारी के लिए 1 दबाएं। ₹666 के प्लान से रिचार्ज करें और पाएं रोजाना। दोहराने के लिए 0 दबाएं। पिछले मेन्यू में वापस जाने के लिए कृपया प्रतीक्षा करें। जल्द ही हमारे एडवाइजर आपकी सहायता में उपलब्ध होंगे। हेलो, मैं जानना चाहता हूं कि सबसे सस्ता प्लान कौन सा है। हाँ, सिम चालू रखने के लिए। तो इस तरह आप इन स्टेप्स को फॉलो करके और इस नंबर को डायल करके जियो कस्टमर केयर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना क्या आपने जियो कस्टमर केयर से बात की है या नहीं। आज के लिए बस इतना ही है। मिलते हैं अगले वीडियो में एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल।